स्वादिष्ट खाना बनाना एक आर्ट है, यही वजह है कि खाना बनाने को पाक कला कहा जाता है। छोटी छोटी सी चीजें खाने का पूरा स्वाद बदल देती हैं। कई बार हम अनजाने में ही ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से स्वादिष्ट खाना बनाने में कुछ कमी रह जाती है। आज हम आपको खाना बनाने से जुड़ी कुछ सीक्रेट कुकिंग टिप्स बता रही हैं। इन टिप्स की मदद से आप आसानी से फूड बना सकते हैं। नंबर एक, आलू का उपयोग लगभग हर डिश में किसी न किसी रूप में किया जाता है। आप अगर आलू को उबालकर उपयोग करते हैं और उसका छिलका उतारने में परेशानी महसूस करते हैं तो आलू उबालने के दौरान पानी में एक चुटकी नमक डाल दें। इससे आलू के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। नंबर दो, मटर। खाने का स्वाद बढ़िया होने के साथ उसका लुक भी परफेक्ट होना चाहिए। आप अगर किसी डिश में मटर का उपयोग कर रहे हैं तो उसका हरा कलर बनाए रखने के लिए मटर उबालते वक्त पानी में थोड़ी सी चीनी डाल दें। इससे मटर का हरापन बरकरार रहेगा। नंबर तीन, पनीर। पनीर की सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। पनीर की सब्जी बनाने के दौरान सबसे बड़ी चुनौती पनीर को सॉफ्ट बनाने की होती है। पनीर की सब्जी में इस्तेमाल करने वाले पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए ग्रेवी में डालने से पहले पनीर को नमक के गर्म पानी में कुछ देर के लिए डाल दें। इससे पनीर नरम रहेगा और ग्रेवी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। नंबर चार, दाल। दाल बनाने के दौरान कई बार उसमें झाग पैदा हो जाती है और दाल छलकने भी लगती है। अगर आप अक्सर इस तरह की परेशानी का सामना करते हैं तो दाल उबालते के दौरान पानी में एक टेबलस्पून तेल डाल दें। इससे दाल में झाग आना बंद हो जाएगा। नंबर पांच, उपमा खीर। उपमा या खीर बनाने के दौरान कई बार उनके जलने की शिकायत सामने आती है। आप भी अगर इस तरह की समस्या में दो चार होते हैं तो हमेशा उपमा खीर जैसी चीजें बनाने के लिए मोटे तले वाले बर्तन का उपयोग करें। डिश के जलने की परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर छह, नूडल्स। आजकल नूडल्स और पास्ता जैसे फास्ट फूड लगभग हर घर में बनने लगा है। हालांकि इन्हें बनाने के दौरान कई बार नूडल या पास्ता ठीक से अलग अलग नहीं हो पाए। ऐसे में इन्हें उबालने के बाद तत्काल ठंडे पानी के नीचे रखने से ही ठीक तरह से अलग अलग हो जाएंगे। नंबर सात, सब्जियों मसालों का प्रयोग। भारतीय फूड को बनाने के दौरान सभी सामग्रियों को सिलसिलेवार प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है। ऐसा ना होने पर डिश का स्वाद बिगड़ सकता है। सबसे पहले प्याज, फिर लहसुन, उसके बाद अदरक टमाटर मसाले डालने चाहिए। इससे डिश का स्वाद बना रहता है। नंबर आठ, अगर पोहा बनाने के बाद वह कुछ ही देर में सूखा और कड़क हो जाता है तो इसे बनाते समय इसमें कुछ चम्मच दूध की डाल दें। ऐसा करने से पोहा लंबे समय तक नरम बना रहता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।